Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to continue our chapter Heredity. In my last two videos of this chapter, we discussed about heredity and variations and also some important terms used in heredity. Today in this video we are going to discuss a very important topic, which is Mendelism, and also we will discuss sex determination. So we will study here Mendelism, in which we will discuss the Mendel's experiments and also Mendel's interpretation. Along with Mendelism we will discuss sex determination. So let's start the video. First we will discuss the Mendelism. Mendelism is actually given a term to the Mendel's contribution. Mendelism include all the Mendel's principles of inheritance. Mendel ke inheritance ke jitne bhi principles the unko hum Mendelism kehte hain. So this is one of the most acceptable theories which explain the mechanism of heredity. Mendel ne jo theories di thi, jo principles diye the heredity ki field mein, wo sabse zyada acceptable theories hain. This theory was postulated by Gregor John Mendel. ग्रीगर जॉन मेंडल ने थ्योरी दी थी, मेंडल थ्योरी या मेंडल्स लॉ दिए थे उन्होंने, जो हेरिडिटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं. ही वॉज द फर्स्ट टू गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन. मेंडल वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि किस तरह से करेक्टर्स पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाते हैं, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किस तरह से करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने एक टर्म दी थी फैक्टर्स. ही इज देयर फॉर कंसीडर टू बी द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. जो मेंडल हैं उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने एक्चुअली टर्म दी थी फैक्टर, और जो फैक्टर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स. मेंडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए फैक्टर. उन्होंने क्या बताया, अभी मैंने बार बार आपको रिपीट किया है कि मेंडल ने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ए फैक्टर, एंड दिस फैक्टर वॉज लेटर चेंज इन टू जीन्स. थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद इसको जीन्स का नाम दिया गया था. तो फैक्टर जो है हमारी बॉडी के अंदर सभी करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी इन पेयर. ये जो फैक्टर हैं ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जब हमने हेरिडिटी से रिलेटेड टर्म्स की बात की थी, वहाँ मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया था एलील्स के बारे में, डिस्कस किया था कि जो हर जीन है हर जीन के लिए दो एलील होते हैं, पेयर की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं. गैमीट्स ट्रांसपोर्ट दीज फैक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो गैमिट्स बनते हैं, मेल की बॉडी में मेल गैमिट, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमिट, अभी जो गैमिट्स बनते हैं ये क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में सेंड करते हैं. और इन फैक्टर्स में क्या है, करेक्टर है. तो इस तरह से करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं. दीज फैक्टर्स वर लेटर कॉल्ड जीन्स. कुछ समय बाद इसको जीन्स का नाम दिया गया, विच फॉर्म द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. तो मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर जो है दैट कंट्रोल द करेक्टर्स, और फैक्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारी सेल्स में. सेल्स में कहाँ, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में कहाँ, क्रोमोसोम्स पर. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किस में प्रेजेंट आ जाते हैं, गैमिट्स में. और गैमिट्स क्या करते हैं, इन फैक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में भेजते हैं, और इस तरह से करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इन डिटेल. मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट विच इज नोन एज पाइसम सटाइवम. द बोटेनिकल नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम फॉर सीरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने कौन से प्लांट पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, गार्डन पी प्लांट. उन्होंने एक प्लांट लिया था गार्डन पी प्लांट जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम. इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे. अब उन्होंने ये प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया और कोई क्यों नहीं लिया सेलेक्ट किया, तो इसके बहुत सारे रीज़न थे.
क्योंकि जो पी प्लांट है उसके अंदर बहुत स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। फर्स्ट फीचर इज ईजी टू ग्रो, इसको ग्रो करना बहुत ईजी है, कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं चाहिए। सेकेंड, शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है तो बहुत कम समय में ही रिजल्ट्स दिख जाते हैं, बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता रिजल्ट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसलिए इसको सेलेक्ट किया। देन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, इसके अंदर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो करेक्टर्स हैं सभी फैक्टर के लिए दो एलील होते हैं, ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके अंदर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। प्रोड्यूस मैनी सीड्स, जो बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है तो वेस्टेज की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ईजी टू रेज एंड हैंडल, इसको रेज करना और ग्रो करना बहुत ईजी है, हैंडल करना बहुत ईजी है। देन आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और एक और करेक्टर है इसका आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में जो पी प्लांट होता है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। हमने पढ़ा भी हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक ही फ्लावर के अगर मेल और फीमेल पार्ट आपस में क्रॉस कर देते हैं दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट जो पी प्लांट है इसके साथ हम आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक करेक्टर्स जो उस पी प्लांट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था। नाउ वी विल लर्न अबाउट आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन? अब क्रॉस यानी कि एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को फ्यूज नहीं करवाना, अलग अलग फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को फ्यूज करवाना है, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और हम इसको करवा रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा, दैट्स वाई इट इज आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट वॉज डन बाई रिमूविंग द स्टेमन, स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, कब? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फीमेल पार्ट है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट क्या है? पिस्टिल, ठीक है, तो उसके मैच्योर होने से पहले हम मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, और जब तक इसका फीमेल पार्ट मैच्योर होता है उसके बाद जिस भी प्लांट के साथ हम इसको फ्यूज करवाना चाहते हैं उसके पोलन्स इसके ऊपर लाकर डस्ट कर देते हैं। लाइक इस पिक्चर में आपको दिख रहा है हमने एंथर्स को रिमूव कर लिया, ठीक है, रिमूव करके उसके बाद हमने दूसरे फ्लावर के पोलन लाके इसके पिस्टिल पर डाल दिए हैं, तो हमने क्या करवा दिया, दिस इज आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड ईमैस्कुलेशन। जो हम ये एंथर्स को रिमूव कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईमैस्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज ईमैस्कुलेशन? द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव कर देना, दैट इज ईमैस्कुलेशन, लाइक दिस। हमने क्या किया, फ्लावर लिया, फ्लावर में से हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया, तो ये एंथर की जो रिमूवल है इस स्टेप को हमने कह दिया ईमैस्कुलेशन। उसके बाद जैसे ही फीमेल पार्ट उसका मैच्योर हुआ, हमने जिस प्लांट के साथ उसको फर्टिलाइज करवाना है उसके पोलन्स लाके हमने इसके ऊपर डाल दिए और फर्टिलाइजेशन हो गई, दिस इज आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब मेंडल ने पी प्लांट तो सिलेक्ट किया, अब पी प्लांट के अंदर हमने अभी बात की थी कंट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट है, तो उसने कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए? मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 7 पेयर्स कनेक्ट किए, 7 पेयर्स मींस एक पेयर के अंदर दो करेक्टर हैं, यानी कि टोटल 14 करेक्टर की उन्होंने बात की, यानी कि 7 पेयर्स। ये कौन कौन से 7 पेयर्स थे? पहला उन्होंने लिया, पहला करेक्टर, दैट इज सीड शेप। तो सीड शेप के अंदर अब कंट्रास्टिंग क्या हो गया, राउंड और रिंकल्ड, की सीड की शेप राउंड है या रिंकल्ड है। देन सीड कलर येलो और ग्रीन, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन और येलो, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, फ्लावर की लोकेशन एक्सियल और टर्मिनल, प्लांट का साइज टॉल और ड्वार्फ। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर उन्होंने लिए, जिन पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे क्रॉसेस उन्होंने किए, और उसके बेसिस पर उन्होंने अपने लॉज पोस्टुलेट किए। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
A cross that Mendel made to study the inheritance of one pair of contrasting characters is called monohybrid cross. अब monohybrid cross क्या है? Mono means one, यानी कि जहाँ पर हम one pair of contrasting character को study कर रहे हैं, वहाँ पर हम cross को study कर रहे हैं, that cross is monohybrid cross. एक pair हम character का लेके चल रहे हैं, single character, चाहे हम length को ले रहे हैं, चाहे हम color को ले रहे हैं, एक character को हम लेके चल रहे हैं, that cross is monohybrid cross. He selected two sets of pure breeding pea plants with contrasting characters for height. उन्होंने क्या किया मेंडल ने? उन्होंने दो प्लांट्स लिए. कौन से? दोनों में उन्होंने टाल या हाइट का करैक्टर उन्होंने लिया. दो प्लांट्स लिए और करैक्टर कौन सा लिया? एक. एक करैक्टर कौन सा? हाइट का. अब उसमें एक प्लांट क्या था? टॉल पी प्लांट था और दूसरा था ड्वार्फ पी प्लांट. और इस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वन इज टॉल पी प्लांट एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट और ड्वार्फ पी प्लांट. टॉल वॉज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी स्मॉल टी. मेंडल कॉल्ड दीज प्लांट्स होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ. हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि वट इज होमोजाइगस. होमो मीन्स सेम. अगर दोनों एलील सेम है कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस टॉल. स्मॉल टी दोनों सेम है दैट इज होमोजाइगस ड्वार्फ. तो एक उन्होंने होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया, दूसरा उन्होंने होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिया और उनके बीच में क्रॉस किया दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ही क्रॉस पॉलिनेटेड होमोजाइगस टॉल प्लांट्स विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट. दोनों के बीच में उन्होंने पॉलिनेशन करवाई, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई. दीज प्लांट्स फॉर्म द पेरेंट जनरेशन. अब ये जो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट थे, ये क्या बन गई? पेरेंट जनरेशन. पी फॉर पेरेंट. ये पेरेंट जनरेशन थी उनकी. जब क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग बिटवीन पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन के बीच में जब क्रॉसिंग करवाई, दैट प्रोड्यूस ऑल हाइब्रिड टॉल प्लांट्स विच फॉर्म्ड एफ वन जनरेशन. हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट जनरेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी दैट इज एफ वन जनरेशन. और एफ वन जनरेशन क्या होगी? हाइब्रिड जनरेशन होगी. हाइब्रिड किसकी? टॉल और ड्वार्फ की. तो एफ वन जनरेशन में जो प्लांट्स बनेंगे वो सारे के सारे हाइब्रिड टॉल प्लांट्स बनेंगे. अब जब हम एफ वन जनरेशन के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं ऑन सेल्फिंग एफ वन प्लांट्स, हमने दो एफ वन जनरेशन के प्लांट्स लिए, उनके बीच में सेल्फिंग करवा दी, देन एफ वन जनरेशन वाज प्रोड्यूस. जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो एफ टू बनी. इस तरह से आगे बनता चला गया एफ वन एफ टू एफ थ्री. तो डिफरेंट जनरेशन उसकी बनती चली गई. टॉल कैपिटल टी देन सेकेंड प्लांट सेकेंड पेरेंट प्लांट ड्वार्फ स्मॉल टी उनके बीच में क्रॉसिंग हुई. क्रॉसिंग होने से क्या बन गई? जो हमारी एफ वन जनरेशन बनी दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड टॉल प्लांट. ये हमारी क्या बनी? एफ वन जनरेशन. अब इस एफ वन जनरेशन के हमारे प्लांट्स कौन कौन से बन गए? जब हमने इनको आपस में क्रॉसिंग करवाई कैपिटल टी की क्रॉसिंग करवाई तो क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी स्मॉल टी. तो एफ वन जनरेशन की जब हमने आपस में सेल्फिंग करवाई तो क्या मिली हमें? एफ टू जनरेशन मिली. ठीक है, तो एफ वन जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? हाइब्रिड टॉल. तो एफ वन जनरेशन में 100% टॉल प्लांट्स बने. पर एफ टू जनरेशन की बात अगर हम करते हैं तो एफ टू जनरेशन में देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो बन गए टॉल प्लांट. तो 75% तो टॉल प्लांट्स हैं और 25% क्या है? ड्वार्फ प्लांट. और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1 की रेशियो है. अगर फोर प्लांट बने हैं तो फोर में से तीन है टॉल एक है स्मॉल यानी कि ड्वार्फ. तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गई? 3:1. और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी? 1:2:1. कैसे? अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है? कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस टॉल वन है ये प्लांट. सेकंड और थर्ड दोनों क्या है? टॉल है पर हेट्रोजाइगस है तो ये टू इसके लिए आ गया 1:2. लास्ट क्या है हमारा? होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट. तो 1:2:1. तो फोर प्लांट्स की अगर हम बात करें एफ टू जनरेशन की तो उसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगी? 1:2:1.
और फिनोटिपिक रेशो 3:1, क्योंकि फिनोटाइप क्या है, तीन तो टाल हैं और एक ड्वार्फ है. सो दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. मेंडल परफॉर्म सेवरल क्रॉसेस इन विच ही क्रॉस्ड टू वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग करेक्टर. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, डाई मीन्स टू, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लेकर हमने दो पी प्लांट्स को क्रॉसिंग करवाई. क्रॉसेस विच वर मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स साइमल्टेनियसली आर रेफर टू एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए. मोनो हाइब्रिड मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, वहाँ पर हमने एक करेक्टर लिया था, यहाँ पर हमने टू करेक्टर लेकर प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई. लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दो उन्होंने प्लांट्स लिए, दो तरह के सीड्स लिए प्लांट से. एक तो लिया उन्होंने विच वॉज राउंड एंड येल्लो सीड, यानी कि उसकी शेप क्या थी सीड की, राउंड और कलर क्या था, येल्लो. दूसरा उन्होंने लिया उसकी उस सीड की शेप थी रिंकल्ड और कलर क्या था, ग्रीन. अब यहाँ पर दो फीचर लिए, दो करेक्टर लिए, शेप सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड का कलर येल्लो और ग्रीन, और उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई. तो जो F1 जनरेशन आई दैट वाज ऑल राउंड एंड येल्लो सीड्स. तो F1 जनरेशन क्या बन गई, हाइब्रिड राउंड एंड येल्लो सीड. सो दिस वाज डाई हाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पर उन्होंने दो करेक्टर लिए, सीड का कलर और सीड की शेप. He selected pure breeding plants for yellow and green color of seeds, round and wrinkled shape of seed. एक तो उन्होंने कलर का करेक्टर लिया येल्लो और ग्रीन, दूसरा उन्होंने शेप का करेक्टर लिया राउंड एंड रिंकल्ड, और इस तरह से उन्होंने क्रॉसिंग करवाई. He cross pollinated flowers of the plants which were developed from homozygous round shape and yellow colored seed with flowers of plants raised from homozygous wrinkled shape and green colored seeds. उन्होंने क्या किया, उन फ्लावर्स के बीच में क्रॉसिंग कराई जो येल्लो और राउंड कलर के सीड से हुए हैं, और दूसरा जो राउंड और रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड से हुए, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई. और जो F1 जनरेशन आई दैट वॉज ऑल हाइब्रिड येल्लो एंड राउंड सीड्स. द प्लांट्स ऑफ दिस जनरेशन वर रेफर टू एज पी जनरेशन और पेरेंट जनरेशन. तो जो फर्स्ट उन्होंने प्लांट्स लिए स्टार्टिंग में येल्लो राउंड प्लांट, दूसरा ग्रीन एंड रिंकल सीड जो लिए, वो क्या थी, पेरेंट जनरेशन. नाउ सी द क्रॉस, येल्लो राउंड सीड्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. तो ये क्या है, होमोजाइगस येल्लो राउंड सीड. नेक्स्ट आ गया ग्रीन रिंकल्ड सीड्स, इनके बीच में जब क्रॉसिंग आई तो क्रॉसिंग यहाँ से इसके गैमिट्स बन गए, येलो राउंड सीड कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, तो इससे गैमिट क्या बना, वाई एंड आर. नेक्स्ट इसके भी गैमिट्स बन गए स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर. अब इन गैमिट्स के बीच में क्रॉसिंग हुई तो क्या बन गई, F1 जनरेशन विच इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई आर एंड स्मॉल आर. यानी कि सारे के सारे सीड्स कैसे थे यहाँ पर, येल्लो और राउंड कलर के, और कैसे थे ये, हाइब्रिड. क्यों हाइब्रिड क्यों थे, क्योंकि हमने एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव करेक्टर के बीच में क्रॉसिंग करवाई थी. डोमिनेंट करेक्टर कौन सा था, येल्लो एंड राउंड, और रिसेसिव कौन सा था, ग्रीन एंड रिंकल्ड. क्योंकि जो करेक्टर शो होगा वही डोमिनेंट होगा. जब हेटरोजाइगस कंडीशन आई F1 जनरेशन में तो कौन सा करेक्टर शो हुआ, येल्लो राउंड का करेक्टर शो हुआ. तो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा था, येल्लो राउंड, और ग्रीन और रिंकल्ड क्या था, रिसेसिव करेक्टर था. अब जो ये F1 जनरेशन बनी येल्लो और राउंड सीड्स की, अब इनके बीच में सेल्फिंग करवाई गई. अब हमने क्या किया, जो हमारे पास F1 जनरेशन आई कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, उनके बीच में हमने सेल्फिंग करवाई. अब सेल्फिंग करवाने पे हमारे पास ये गैमिट्स आ गए हैं, उन गैमिट्स के अंदर हमने जब क्रॉसिंग करवाई तो ये हमारे पास रेशो आई है विच इज़ F2 जनरेशन. हमारे पास रेशो क्या आई, 9:3:3:1, यानी कि आउट ऑफ दीज 16 सीड्स 9 वर येलो एंड राउंड, 3 वर येलो एंड रिंकल्ड, देन 3 वर ग्रीन एंड राउंड, एंड देन 1 वाज ग्रीन एंड रिंकल्ड. सो दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. जब हमने दो करेक्टर को डिस्कस किया, सीड का कलर एंड सीड का शेप. नाउ वी विल लर्न मेंडल्स इंटरप्रिटेशन और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. On the basis of monohybrid cross and dihybrid crosses, Mendel postulated
some law of inheritance. Mendel, after a tireless and ceaseless experimentation on pea plants, made certain observations and postulated different law. अब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बेसिस पर उन्होंने कुछ लॉ दिए थे, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस था, ऑन क्रॉसेस के बेसिस पर उन्होंने कुछ लॉ दिए. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेम इज सजेस्टिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि डोमिनेटिंग करेक्टर की बात हो रही है. वन इज डोमिनेंट, वन इज रिसेसिव. हमने सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस किया था व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज रिसेसिव. इट स्टेट्स दैट व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल लिए हमने होमोजाइगस, विद वन और मोर सेट ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर क्रॉस्ड, द F1 हाइब्रिड हैव बोथ द कंट्रास्टिंग जीन ऑफ ए पेयर बट ओनली वन एक्सप्रेसिस एंड इट डज नॉट अलाउ द अदर वन टू अपीयर. हमने दो पेरेंट्स लिए, होमोजाइगस थे दोनों के दोनों, एक टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया. तो जो हमारे पास F1 हाइब्रिड आए उसमें दोनों के दोनों जीन्स आए, टॉलनेस का भी आया है ड्वार्फनेस का भी आया है, पर एक्सप्रेस एक ने किया है क्योंकि F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे टॉल बी प्लांट्स आए थे. तो एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है जबकि दूसरे ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है. द वन विच इज एक्सप्रेस्ड दैट इज डोमिनेंट, जिसने एक्सप्रेस कर दिया वो डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया दैट इज रिसेसिव. यू कैन सी इन दिस डायग्राम टॉल देन ड्वार्फ, हमने इनके गैमिट्स बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. जब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो F1 प्रोजनी जो हमारे पास आई दैट इज ऑल टॉल, सारे के सारे हमारे पास क्या बने, टॉल प्लांट्स बन गए हैं. तो यहाँ पर टॉलनेस का जो जीन है, टॉलनेस का जो एलील है, उसने आपको अपने आप को एक्सप्रेस किया है दैट इज डोमिनेंट. स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया दैट इज रिसेसिव. दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और वी कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स सेग्रीगेट होना, सेपरेट हो जाना. यानी कि जब गैमिट्स बनते हैं, हमने कहा कि एक करेक्टर के लिए दो पेयर हैं, तो वो पेयर जो है वो अलग अलग हो जाता है. यू कैन सी इट स्टेट्स दैट इन ए हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट मीन्स हाइब्रिड कंडीशन, जब दोनों आ रहे हैं, डोमिनेंट भी आ रहा है रिसेसिव भी आ रहा है, द टू मेंबर्स ऑफ द एलीलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट ब्लेंडिंग. दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं पर दोनों ब्लेंड नहीं होते. कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, पर दोनों मिक्स होकर कुछ नया नहीं बना रहे हैं. सीड का कलर ग्रीन है, सीड का कलर येल्लो है, दोनों या तो अगले ग्रीन बनेंगे या येल्लो बनेंगे, मिक्स होकर कोई नया कलर नहीं बना रहे हैं वो. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइब्रिड, जो हमारे पास हाइब्रिड आया कैपिटल टी स्मॉल टी, उससे जब आगे गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स क्या बनेंगे, एक में कैपिटल टी जाएगा किसी में स्मॉल टी जाएगा, टू जीन सेपरेट आउट, दोनों जीन सेपरेट हो जाते हैं और एक गैमिट के अंदर एक ही जीन एंटर करता है, या कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा. इट मीन्स गैमिट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए करेक्टर, तो जो गैमिट बनते हैं उनमें एक ही करेक्टर के लिए जीन आ रहा है, तो गैमिट्स क्या हुए, प्योर, हाइब्रिड नहीं है गैमिट, प्योर है. दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स. लाइक यू कैन सी इन दिस क्रॉस, पेरेंट लिया हमने, एक मेल टॉल प्लांट लिया, फीमेल ड्वार्फ प्लांट लिया, गैमिट्स बन गए हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल पी, उनके बीच में हमने क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई, हाइब्रिड टॉल. अब हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स ले लिए हैं, एक मेल लिया है टॉल, देन फीमेल ले लिया हमने टॉल, और इनके गैमिट्स बनाए हमने, गैमिट्स क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब F2 जनरेशन में देखो क्या हो जाएगा, इनकी जब क्रॉसिंग होगी तो F2 जनरेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन टॉल प्लांट आएंगे एक ड्वार्फ प्लांट आएगा. जो स्मॉल टी था पेरेंट जनरेशन में प्रेजेंट था, F1 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका, पर वो ख़त्म नहीं हुआ, F2 जनरेशन में उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो ब्लेंडिंग नहीं हुई. कैपिटल टी के साथ मिक्स होकर उसने बेशक अपने आप को शो नहीं किया बट उसने अपना करेक्टर लूज नहीं किया है, नेक्स्ट जनरेशन में उसने उसको शो कर दिया है. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट कि जितने भी एलील्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमने डिस्कस किया है दैट इज ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट वट हैपन वेन वी टेक द टू कंट्रास्टिंग करेक्टर. हमने सीड की शेप भी ले ली, सीड का कलर भी ले लिया,
वहां पर क्रॉसिंग कैसे होगी? क्या राउंड हमेशा येलो के साथ रहेगा, रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि राउंड जो है वो ग्रीन के साथ कंबाइन कर जाए और रिंकल जो है वो येलो के साथ कंबाइन कर जाए। दिस वॉज सॉल्व्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट इन द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ ईच पेयर इन द गैमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर। एक पेयर के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे और दूसरे पेयर के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन, राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ येल्लो, रिंकल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन, रिंकल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ येल्लो, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमने क्या किया यहाँ पर, डायहाइब्रिड क्रॉस में एक सीड लिया येल्लो एंड राउंड, दूसरा लिया ग्रीन एंड रिंकल, क्रॉसिंग हुई तो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास सारे के सारे राउंड और येल्लो सीड्स आ गए। इट मीन्स द फैक्टर्स और जीन्स कंट्रोलिंग डिफरेंट करेक्टर्स एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो फैक्टर्स हैं करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट करते हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनते हैं। वाई जो है वो अलग रहेगा आर से, कैपिटल वाई कैपिटल आर से अलग रहेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कैपिटल वाई कैपिटल आर पर डिपेंड नहीं करता, रैंडमली दे आर अरेंज्ड। मेंडल एक्सप्लेन दिस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यू कैन सी इन दिस क्रॉस येलो राउंड सीड लिए, ग्रीन रिंकल सीड लिए, दिस इज द पेरेंट जनरेशन। जब गैमेट्स बने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, उनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई, द F1 जनरेशन इज येलो एंड राउंड सीड्स। अब हमने इस येलो और राउंड सीड्स के बीच में सेल्फिंग करवाई F2 जनरेशन के लिए, ये हमारे पास गैमेट्स बन गए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप इस टेबल में देखो, यू कैन सी इन दिस टेबल दैट ऑलवेज वाई कैपिटल आर के साथ प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ ही प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी प्रेजेंट है, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी प्रेजेंट है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी प्रेजेंट है। तो ऑल द एलील्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ ही रहेगा, रिसेसिव रिसेसिव के साथ ही रहेगा। ओके, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज लॉज हैव हेल्प्ड इन कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से करेक्टर्स की इनहेरिटेंस होता है, उसको डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए मेंडल्स के लॉ को यूज़ किया जाता है। मेंडल्स वर्क फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के लिए बेस बनाता है। दीज लॉज हैव हेल्प्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस हेरिडिटरी डिजीजेस इन मैन एंड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर सच डिजीजेस। जितनी भी हेरिडिटरी डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिजीजेज हैं, उसके लिए उनको आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कि किस जीन की वजह से है, किस क्रोमोसोम की वजह से है, दैट इज ड्यू टू मेंडल्स लॉ। मेंडल्स प्रिंसिपल्स आर यूज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बोथ फॉर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी। तो जितने भी हमारी प्लांट्स किंगडम है या एनिमल किंगडम है, वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए भी मेंडल्स के लॉ को यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडल्स लॉ एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स और मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल को आइडेंटिफाई करना, दिस इज मेल दिस इज फीमेल, दिस इज मेल ऑर्गन दिस इज फीमेल ऑर्गन, दिस इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मेल ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल ऑर्गन अलग एनिमल में होते हैं। मीन्स मेल इंडिविजुअल आर डिफरेंट, फीमेल आर डिफरेंट। बट अगर हम कुछ प्लांट मैक्सिमम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के केसेज में क्या है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल करेक्टर मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन मैमल्स द मेल एंड फीमेल एनिमल्स
differ in appearance also due to the development of secondary sexual characters. अगर हम mammals की बात करें, for example human beings की बात अगर हम करते हैं, तो उनमें क्या है, male और female organism जो है वो externally भी एक दूसरे से totally अलग है. आप एक boy को देखो, एक girl को देखो, दोनों की appearance बिल्कुल अलग है. Why? Due to secondary sexual character. Secondary sexual character क्या होते हैं? They are other than the sex organ. Like girls के बाल लंबे होते हैं, उनकी voice अलग होती है, body shape अलग होती है, boys के hair छोटे होते हैं, उनकी वॉइस हैवी होती है, दाढ़ी और मूछ होती है. दीज करेक्टर्स आर द सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर, जिनके बेसिस पर हम अपीयरेंस में देखते ही उनको अलग बता सकते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. इन सम एनिमल्स टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स डेवलप डिटरमाइंस द सेक्स. कुछ एनिमल्स के अंदर जिस टेम्परेचर पर फर्टिलाइज एग डेवलप होता है वो बताएगा कि सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा. फॉर एग्जाम्पल इन टर्टल, टर्टल के केस में क्या है, एग्स इंक्यूबेटेड अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस फीमेल. अगर एग 33 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज फीमेल, और अगर 28 से नीचे है देन इट विल बी डेवलप इन टू मेल. तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा. इन बोनेलिया इफ लार्वा एंटर्स द फीमेल बॉडी, बोनेलिया के अंदर क्या होता है कि अगर लार्वा जो बना है फीमेल की बॉडी में एंटर कर जाएगा तो वो मेल बना देगा. अगर वो फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं करेगा, ऐसे ही रह जाएगा, देन इट विल डेवलप इनटू द फीमेल. इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज देयर सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. स्नेल्स के अंदर एक स्पेशल फीचर्स होता है जिसमें क्या है कि इंडिविजुअल अपने सेक्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओफायरोट्रोका, ओफायरोट्रोका एक स्नेल है जिसके अंदर जो जब तक वो यंग कंडीशन में रहता है देन इट इज मेल, और जैसे ही वो एडल्ट होने लग जाता है इट चेंजेस इनटू द फीमेल. इन हनी बी मेल्स आर हैप्लॉयड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉयड. हैप्लॉयड डिप्लॉयड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. क्रोमोसोम नंबर हाफ है जिनमें दैट आर मेल, और जिसमें डबल है दैट इज डिप्लॉयड और फीमेल. सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. Now we will discuss the sex determination human beings. Human beings के अंदर किस तरह से sex determine होता है कि male कैसे होगा और female कैसे होगा. Each human cell has 23 pair of chromosome. हमारे अंदर कितने chromosome है, 23 pairs. 22 are autosomes. They are similar in both men and women. They carry genes for somatic characters. जिसमें से 22 pair जो है they are autosomes. अब जो ये ऑटोसोम्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब 22 पेयर जो है ये सिर्फ सोमैटिक करेक्टर को डिसाइड करते हैं. सोमैटिक करेक्टर क्या है, सेक्स करेक्टर के अलावा, सेक्स फीचर के अलावा बाकी जितने भी करेक्टर हैं लाइक हाइट, वेट, कलर, बॉडी शेप, आई का कलर, बालों का कलर, नोज की शेप, नोज का साइज, ये सारे के सारे सोमैटिक करेक्टर्स हैं. तो जो 22 पेयर है जो वो ऑटोसोम्स हैं वो सोमैटिक करेक्टर को डिसाइड करते हैं. द क्रोमोसोम ऑफ 23rd पेयर, जो 23rd पेयर आता है दैट डिसाइड दैट वेदर इट इज मेल और फीमेल, एंड दिस 23rd पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बींग्स. दिस इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, they decide whether which character will be inherited or which will not. In human females, अब हम females की बात करते हैं. मैंने आपको बता दिया कि 22 क्रोमोसोम तो दोनों में सेम है, तो हमने किसकी बात करनी है, सिर्फ 23rd क्रोमोसोम की. और उस 23rd क्रोमोसोम के अंदर क्या है, दो सेक्स क्रोमोसोम है, पेयर है ना, तो दो क्रोमोसोम है. टू सेक्स क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, दोनों सेम है, सो दे आर होमोमॉर्फिक. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय XX chromosome. Thus, a human female has 44 plus XX chromosome. 44 कैसे हो गए, 22 pair यानी कि 44 chromosome plus जो 23rd pair था उसके 2X chromosome plus XX chromosome. तो human female के अंदर 44 plus double X chromosome होते हैं. In human male, अब male की बात करते हैं, तो वहां पर जो दो sex chromosome है they are dissimilar or heteromorphic. Hetero means different. होमो मीन्स सेम. फीमेल के अंदर होमोमॉर्फिक है सेक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर हेट्रोमॉर्फिक है.
These are represented as XY. The Y chromosome is much smaller. Y chromosome X से बहुत छोटा होता है. A human male thus has 44 plus XY chromosome. फीमेल के अंदर क्या हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई. हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड. अब चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि जो बच्चा होगा दैट विल बी बॉय और ए गर्ल, वो कैसे फिक्स होता है. दैट इज फिक्स्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम. यानी कि जो 23rd पेयर है वो डिसाइड करेगा कि बॉय होगा या गर्ल. बाकी के जो करेक्टर्स हैं, हाइट, वेट, कलर, बालों का रंग, आंखों का रंग, नाक की शेप, ये सारे करेक्टर्स कौन डिसाइड करें, बाकी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. जो 23rd पेयर है वो डिसाइड करेगा दैट विल बी बॉय और ए गर्ल. द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड टू बी बॉर्न इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, उस टाइम पर डिसाइड हो जाता है कि जो आगे इंडिविजुअल बनेगा, चाइल्ड बनेगा, वो कैसा होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्पर्म दैट फ्यूजेस विद द एग. अब ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज होता है. एग पर डिपेंड नहीं करता, स्पर्म पर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि एग तो सारे ही एक्स क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं. फीमेल में क्या है, एक्स एक्स. तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे, जितने भी एग बनेंगे, सभी में ही एक्स और एक्स है. बट जो मेल के गैमेट्स बनेंगे, किसी में एक्स होगा, किसी में वाई होगा. तो जो स्पर्म जाके फ्यूज हो जाएगा वो डिसाइड करेगा. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक हमारे पास, हमने फादर लिए, हमने मदर लिए. फादर के अंदर क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, मदर के अंदर एक्स एंड एक्स. वाई क्रोमोसोम इज स्मॉल देन एक्स क्रोमोसोम. अब फादर से जो गैमेट्स बने हैं, स्पर्म्स बने हैं, किसी में एक्स जाएगा, किसी में वाई जाएगा. मदर से जो बने हैं सब में एक्स ही जाएगा. तो जब एक्स एक्स के साथ फ्यूज होगा तब बन जाएगा गर्ल. एक्स वाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, बन जाएगा बॉय. तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फ्यूज होता है. यानी कि जो सेक्स है चाइल्ड का दैट डिपेंड्स अपॉन द फादर नॉट द मदर. व्हाई? बिकॉज फीमेल इज होमोगैमेटिक सेक्स. फीमेल जो है वो क्या है, वो तो होमोगैमेटिक है. सारे गैमेट्स एक जैसे हैं, सब में एक्स क्रोमोसोम है, तो वो तो कोई डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं सकती. एंड मेल इज हेट्रोगैमेटिक सेक्स. मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक. किसी में एक्स जाएगा, किसी में वाई जाएगा. तो अगर वाई, फादर का वाई जाकर मदर के एक्स के साथ फ्यूज होगा देन हमारे पास बनेगा बॉय. अगर फादर का एक्स जाके मदर के एक्स के साथ फ्यूज होगा देन बनेगा गर्ल. तो डिफरेंस किसने क्रिएट किया, फादर ने, नॉट मदर. सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फ्यूजेस विद एग. सेक्स, किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जाकर एग के साथ फ्यूज हो रहा है. All boys and girls receive one X chromosome from mother. अब चाहे boy हो चाहे girl हो, उसके पास एक X chromosome तो आ गया mother से. एक chromosome mother से आना है, एक father से आना है. Mother से तो कोई भी आ जाए वो X रहेगा. Second chromosome जो है वो किससे आएगा, father से आएगा. Girls receive their second X chromosome from the father. Girls जब बनती हैं तो उनमें जो दूसरा X chromosome है वो father का आया है, और बॉयज़ के अंदर जो दूसरा क्रोमोसोम आया है वाई, वो फादर से आया है. लाइक यू कैन सी इन दिस क्रॉस, फादर एक्स वाई, मदर एक्स एक्स. जब क्रॉसिंग होगी एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा. मदर का तो एक्स ही जाएगा हमेशा. फादर का अगर एक्स चला गया तो डॉटर होगी, अगर फादर का वाई चला गया देन इट विल बी सन. सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन बींग्स इज डिसाइडेड बाय द फादर नॉट द मदर. और वी कैन से दैट दिस इज ए चांस फैक्टर. चांस फैक्टर है. अगर वाई जाकर फ्यूज हो जाएगा तो बॉय हो जाएगा, अगर एक्स जाकर फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज होगा तो गर्ल हो जाएगा. सो दिस इज ए चांस फैक्टर. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंडल्स लॉ एंड द सेक्स डिटर्मिनेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.